कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण शिविर का आयोजन वार्ड स्तर पर भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही इंदौर के विधानसभा ए के वार्डों में देखने को मिला। इंदौर के विधानसभा एक के वार्डों में कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत क्षेत्र के वार्ड 3, 4 और 14 में टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता अन्य भाजपा नेताओं के साथ लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक संदेश देते हुए शिविर की जानकारी देते नजर आए। इस दौरान लोगों को समझाइश दी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इसका लाभ लें। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से पूरे हमारे वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 3 में घर घर जाकर के जन जागृति अभियान के तहत टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके हमारे माननीय पूर्व विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सुदर्शन जी गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पूरे घर घर जाकर लोगों को एमपी पब्लिक स्कूल में, जो कि एक विशाल टीकाकरण अभियान के लिए हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है निःशुल्क। इंदौर शहर में भी टीकाकरण का अभियान निःशुल्क प्रत्येक वार्ड में चलाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में सभी शासकीय अस्पताल और केंद्र निःशुल्क टीकाकरण के लिए 3-3 केंद्र बनाए गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा एक के सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठ जन माननीय सुदर्शन जी के नेतृत्व में आज कॉलोनी नगर चौराहे से वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 14 में घर घर आह्वान करने निकले हैं कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए आप 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग जाकर टीकाकरण केंद्र पर निःशुल्क टीके लग रहे हैं, वहाँ पर जाकर तत्काल टीका लगवाए। विधानसभा एक में वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर में प्रतिदिन लगभग 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़े हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखे इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखे खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जो जन वैक्सीन को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा, उसमें सभी युवा मोर्चा की टीम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक 45 साल से ऊपर के आयु के लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाई और परिवारजनों को वैक्सीन टीका लगवा के सुरक्षित करें। अब देखना ये होगा कि इनके जागरूकता संदेश से जनता कितना जागरूक होती है और वैक्सीन लगवाने के लिए शिविर में पहुंचती है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।